बदलता मौसम एक और जहां राहत देने वाला होता है, वहीं साथ ही साथ मौसमी बीमारियां भी लाता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार। ऐसे में लोग खांसी जुकाम के घरेलू उपाय तलाशते हैं, जो काफी हद तक ठीक भी रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए घरेलू उपाय अपनाएं। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने हेल्थ चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आयुर्वेदिक नुस्खों की। आज का हमारा टॉपिक है सर्दी, खांसी, जुकाम और उससे बचने के घरेलू उपाय। दोस्तों, यदि समय रहते इसका इलाज घर की रसोई से ही निकाल लिया जाए तो दवाओं के होने वाले साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। जुकाम एक संक्रामक बीमारी है जो बहुत जल्दी बढ़ती है। यह एक आम बीमारी है। हमारे रसोई घर में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छुपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियाँ फुर हो जाती हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। सर्दी, खांसी, जुकाम का घरेलू इलाज करना एक आसान विकल्प होता है। इस मौसम में आप खांसी से बचने के उपाय तलाशें बजाय दवाइयां खाने की। लगातार खांसी और गले की खराश, दर्द काफी परेशान कर सकता है। अगर आप सच में दवाइयों से बचना चाहते हैं और ठंड के लक्षणों से निपटना चाहते हैं तो प्राकृतिक तरीके अजमाइए। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे अचूक नुस्खों के बारे में बताऊंगी जो ना केवल खांसी जुकाम को ही दूर भगाएंगे बल्कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं काढ़े की, जिसका प्रयोग हमारी दादी नानी के टाइम से होता आ रहा है और जो बहुत ही कारगर भी है। आयुर्वेद में इसका विवरण बहुत पुराना किया गया है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लौंग, 1.5 कप पानी, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 तुलसी के पत्ते, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुड़। एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च डालकर 4 से 5 मिनट तक सिम गैस पर उबालें। अब इस पानी को छान लीजिए। पीते समय इसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर की डाल लीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। आप गुड़ की जगह शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। रात को सोने से आधा घंटा पहले इस काढ़े को पी लीजिए और उसके बाद कुछ नहीं लेना है और सो जाइए। ये काढ़ा खांसी, सर्दी, जुकाम के लिए रामबाण दवा का काम करता है। ये काढ़ा बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, इसे जरूर ट्राई कीजिए। सेकंड आता है हमारा अदरक और शहद। अदरक को कद्दूकस करके रस निकालिए, कुछ पत्ते तुलसी के लें और उसका भी रस निकालिए। अदरक के रस में मिलाइए, हल्का गर्म कीजिए। अब इसमें शहद मिलाइए। ये एक अचूक नुस्खा है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लीजिए। तीसरे नंबर पर हमारा आता है हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की सबसे अचूक दवा है हल्दी। हल्दी का दूध बनाकर पीजिए। कच्ची हल्दी मिल जाए तो सबसे अच्छा है, वरना सूखी हल्दी ले लीजिए। दूध हजम नहीं होता हो तो हल्दी का पानी बनाकर पी लीजिए। 1 कप पानी में 1/2 चम्मच हल्दी उबाल लीजिए और चाय की तरह पी लीजिए। चौथे नंबर पर आता है अनार। अनार खांसी की एक अचूक दवा है। अगर अनार के दानों को गर्म करके खाया जाए तो खांसी ठीक होती है, या अनार के रस को गर्म करके पिए तो खांसी में बहुत आराम मिलता है। अनार के जूस में थोड़ा सा अदरक का रस मिला लीजिए, खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अगर छाती में बलगम जम जाए, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, और खर खर की आवाज आने लगे तो 10 ग्राम अजवाइन लीजिए। एक साफ कपड़े की पोटली बना लीजिए, उसमें अजवाइन डाल लीजिए और तवे पर उसे पोटली को गर्म कीजिए। फिर इसे बार बार सूंघिए, इससे जुकाम में आराम मिलता है।
बंद नाक खुल जाती है। सिर पर भारीपन हो तो सिर पर उसके मालिश कीजिए, माथे पर और हाथों पर पोटली को रगड़िए। छाती में बलगम जमा हो तो उस पोटली से सिकाई कीजिए, बलगम ढीला हो जाता है। खांसी जुकाम हो जाने पर अक्सर रात को उठने वाली खांसी परेशान कर देती है, इसके लिए भी एक खास उपाय है। इसके लिए पान के पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चबा चबा कर खाइए। पान के पत्ते पर और कुछ नहीं लगाना है, इसे चबा चबा कर रस निगलने से सूखी खांसी मिटती है और रात को होने वाली खांसी में आराम मिलता है। दोस्तों, सर्दी जुकाम होने पर आप जितनी बार भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं उतनी बार आप हेल्दी बैक्टीरिया को साफ कर रहे होते हैं। इससे पेट में हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और स्वस्थ बैक्टीरियों की वृद्धि रुक जाती है। लगातार एंटीबायोटिक्स लेने से यह एक खतरनाक चक्र बन जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए आप अपने खाद्य पदार्थों में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। इन उपायों के अलावा कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें आप डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है और आप मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं। पोल्यूशन के घातक असर और सर्दी से बचने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो दिन में 1 कली लहसुन की कच्ची ही खा लीजिए। अगर ऐसा ना कर सकें तो सब्जियों में इसका प्रयोग जरूर करें। जितना हो सके गर्म पानी पीजिए, आपके गले में जमा कफ खुल जाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। गर्म पानी और नमक से गरारे कीजिए। गर्म पानी में 1/4 चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। दिन में 3 से 4 बार गरारे करें, ये काफी पुराना नुस्खा है। आंवला, खांसी जुकाम होने पर विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। खांसी जुकाम होने के दौरान आपको कीवी, ब्रोकली, संतरा, नींबू और विटामिन सी से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। गले और नाक में जमी बलगम को साफ करने के लिए भाप लें। इसके लिए एक पतीले में पानी को उबालिए, 1/2 चम्मच अजवाइन और चुटकी भर नमक डालिए। तौलिए, चद्दर ढककर भाप लीजिए। खांसी और जुकाम दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपचार है। गर्मा गर्म सूप हर किसी को पसंद होता है, परंतु इसका महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित होता है। जब भी आप सर्दी जुकाम से दुखी हो, गर्मा गर्म सूप को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। हर्बल और तुलसी युक्त चाय पीना खांसी और जुकाम को दूर भगाने में मदद करता है। खजूर को दूध में उबालकर पीने से सर्दी में राहत मिलती है। मुलहटी का चूर्ण शहद के साथ चाटने पर बहुत आराम मिलता है और इसी तरह आप दालचीनी के चूर्ण को भी शहद के साथ मिलाकर चाटें, वो भी आपको खांसी जुकाम में बहुत आराम देगा। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपको खांसी जुकाम से तुरंत राहत देते हैं। अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागने से अच्छा है आप इनका प्रयोग करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।